स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में। कहना चाहूंगा आज यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से 4 साल पहले का वो खुलासा करने वाला हूं जो अभी तक जिस पर ना तो सरकार कुछ कर पाई है, ना ही निदेशालय में बैठे अधिकारी उस चीज को आगे बढ़ा पाए हैं, ना ही कोई जांच हुई ना कुछ हुआ। तो इस घटना को ये बताई तो जा रही है कि मई 2015 में आग लगी थी, पोषाहार जो आपूर्ति से संबंधित वहां पे फाइलें रखी थी और सबकी सब जल करके राख हो गई, एक भी फाइल नहीं बची। उसी समय पर बताया जा रहा है पुष्टाहार में एक बढ़ चढ़कर के घोटाला भी हुआ। तो इसी के बात को लेकर के यहां पे बहुत सारी सच्चाई मीडिया में निकल के आ रही है। तो आइए बताते हैं, लिखा हुआ यह मामला था जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि बाबुओं और अधिकारियों के स्तर से करोड़ों रुपए के घाल मेल की शिकायत है। इस पर सरकार जो है वहां तक पहुंची है आवाज वगैरह शिकायत, लेकिन तो मामले की जो छानबीन कराने का जो फैसला लिया गया इस पर निदेशालय में हड़कंप मच गया, क्योंकि फाइल जलकर के राख हुई वो एक घटना थी या फिर यूं कहा जाए कि वो पूरी की पूरी साजिश थी। क्योंकि अगर करोड़ों रुपए डकारे गए हैं तो उस पर पर्दा भी तो डालना है, यानी कि मिट्टी भी तो डालनी पड़ेगी। तो ये भी एक सवाल था जिसको लेकर के लोग चाहते थे कि इसको जांच बैठाई जाए, लेकिन जांच को लेकर के यहाँ पे अब सच्चाई आपको हम दिखाते हैं। इस पर लिखा है, इस पर निदेशालय में हड़कंप मच गया और इसके अगले दिन 10 मई 2015 यानी कि रविवार को इंदिरा भवन स्थित निदेशालय में पोषाहार आपूर्ति भुगतान से संबंधित पत्रावली और कर्मियों की सेवा से संबंधित पत्रावलियों वाले कमरे में संदिग्ध हालात में आग लग गई। दरअसल पहले जांच के आदेश हुए थे, ऐसा नहीं है कि पहले आग लग गई थी, क्योंकि समझिए ये टोटल साजिश की साजिश थी। आपको बता दूं, क्योंकि अगर मान लीजिए आग पहले लगती तो माना जा सकता था, लेकिन जब यहां पे देख लीजिए ऊपर से साफ लिखा है बाबू और अधिकारियों के स्तर में करोड़ रुपए के घालमेल की शिकायत जब सरकार तक पहुंची तो मामले की छानबीन कराने का फैसला लिया गया था। ठीक है, इस पर निदेशालय में हड़कंप मच गया, क्योंकि निदेशालय में अधिकारी है, अगर करोड़ों में गोलमाल होगा तो निदेशालय में भी तो बैठे बाबू लोग खाएंगे। इस पर निदेशालय में हड़कंप मच गया था। इसके अगले ही दिन आपका बताया जा रहा 10 मई 2015 यानी कि रविवार के दिन, शनिवार को शिकायत हुई, उसके अगले ही दिन ये सब कुछ घटना हो गई। वहां पर इंदिरा भवन स्थित निदेशालय में पोषाहार आपूर्ति को लेकर के भुगतान से जो संबंधित पत्रावलियां थी और कर्मियों की जो सेवा से संबंधित पत्रावलियां थी उन सबको लेकर के वहां पर कमरे में बताया जा रहा संदिग्ध रूप से जो हालात में आग लग गई। और 11 मई को निदेशक आनंद कुमार सिंह ने शासन को बताया कि निदेशालय वगैरह में, अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये दरअसल जो फोटो आप देख रहे हैं ये हमारे झारखंड की बहनें हैं, शायद भगवान चाहते हैं कि इनकी ही आवाज को ज्यादा दिखाया जाए, एक महीना हो गया उनकी आवाज को लेकर के, लेकिन आवाज उठाई जा रही है। कहना चाहूंगा 11 मई को निदेशक आनंद कुमार सिंह उन्होंने शासन को बताया था कि निदेशालय के कमरा नंबर 311 में कई पत्रावलियां, फर्नीचर व कंप्यूटर को नुकसान हुआ है, जांच के लिए निदेशालय स्तर से ही 2 सदस्यीय समिति गठित कर ली गई। यानी कि चोर खुद चोरी चोरी करता है वही को जो जहां सौंप दी जाती है। अब अगर निदेशालय में घपला हुआ है, अगर साइड से लोग कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए थी, और तो उसके अगले दिन आग लग गई और आग लगने के बाद में वहां पर जब जांच के लिए बनाया गया तब भी निदेशालय से ही 2 लोगों को चुन लिया गया। अब एक बात बताइए, अगर कोई एक परिवार किसी काम में दोषी है, ठीक है, तो उनका दोष सिद्ध करने के लिए तो उन्हीं के घर से लोगों को थोड़ी ना उठाया जाता है भैया, किसी दूसरे को गवाह के रूप में बुलाया जाता है। तो यहां पर जो जांच करने वाले थे वो खुद ही विभाग के ही थे, निदेशालय के ही थे, और निदेशालय वालों ने ही लिपापोती भी कर दी। तो इसमें और भी जो खुलासे हैं जो न्यूज के माध्यम से निकल करके आए, सुधीर कुमार सिंह हैं उनकी ये रिपोर्ट है, आपको कहना चाहूंगा। इसमें और भी चीजें हैं जो आपको मैं पढ़ करके पूरी तरह से बताने वाला हूं। यह भी बताया गया कि अब तक ना तो कोई FIR कराई गई है और ना ही शासन को आख्या ही दी गई है, यानी कि सब लीपापोती हो चुकी है। शासन के 13 पत्र लिखने के बाद भी निदेशालय ने नहीं दी कार्रवाई की रिपोर्ट। अब बताइए हालात ये हैं। लखनऊ, अब आपको बताता हूं, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मुख्यालय जिसको ICDS बोला जाता है, उसमें आग लगने की घटना की गुत्थी 4 साल बाद हो चुके हैं, फिर भी अभी तक सुलझ नहीं सकी। अब बताइए, जो सरकारें ये इतने करोड़ों के घपले सुलझा नहीं पाएंगी, वो कहती हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ पे रहस्यमय ढंग से लगी आग में पोषाहार आपूर्ति के करोड़ों रुपए के भुगतान के अलावा अन्य फाइलें भी जल गई थीं। इस घटना को लेकर अब तक FIR तक दर्ज नहीं कराई गई। क्यों FIR दर्ज नहीं कराई गई? इस मामले में कार्रवाई की प्रगति जानने के लिए शासन स्तर से करीब 13 पत्र लिखे जा चुके हैं,
कि इसकी रिपोर्ट दीजिए, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया गया निदेशालय स्तर से। अब तक कोई भी जवाब नहीं मिलने पर शासन ने 2 सितंबर अभी 2 सितंबर इसी महीने के 2 सितंबर को 2019 में ही, अब जो है 4 साल बाद फिर 1 सप्ताह में आख्या देने के निर्देश दिए हैं। तो 2 सितंबर को आख्या के निर्देश दिए, अभी तो टाइम पूरा हो चुका है, 11 तारीख हो चुकी है और आगे कोई जानकारी और भी निकल के आएगी इसी खुलासे को लेकर के। विशेष सचिव जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग गया प्रसाद जी हैं, उनके निदेशक को पत्र जो हमें कार्रवाई के संबंधित जो प्रगति को लेकर के 1 सप्ताह में आख्या उपलब्ध कराने को कहा भी है। अब वहीं पर यह पत्र 28 सितंबर 2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के लिए फैसले के आधार पर है। 2016 में ये जो एक तरह का लेटर था जो इन चीज़ों को बढ़ा आगे बढ़ाना था, उसी चीज़ को आगे वो बढ़ा रहे हैं। दबाव बनाया तो चली गई थी कुर्सी, ऐसा भी बताया जा रहा है। जो आपका सदाकांत के हटने के बाद प्रमुख सचिव कुमार जो कमलेश को विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी, प्रमुख सचिव की, ठीक है, अब बताया जा रहा है, लेकिन निदेशालय के काकस के पावर से वह भी हार गए और उन्हें तत्कालीन जो है बताया जा रहा है अखिलेश सरकार में हटा भी दिया गया था। इसके बाद डिंपल वर्मा ने कुछ प्रयास भी किया, यहाँ पे लिखा है सफल नहीं हुआ वो। इसके बाद जो सचिव के तौर पर अनीता मिश्राम और मौजूद रही और प्रमुख सचिव मोनिका एस गर्ग जी वो अभी हैं। पुराने परिणामों को देखते हुए इस मामले की चुप्पी वगैरह ये भी बताया जा रहा साध ली है। तो क्या ये सब कुछ है, क्या इन लोगों के तार पिछले वाले सचिवों से हैं जो पहले तैनात थे, या कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गुत्थियां हैं, या फिर हो सकता है इधर उधर लेन देन चल रहा हो, क्या माजरा है ये ना मैं जानता ना आप जानते हैं। लेकिन जो सच्चाई हकीकत यही कहती है कि अगर रिपोर्ट यानी कि जांच के आरोप लग रहे थे तो उसके अगले दिन आग का क्यों लगना ये जायज था, उसके अगले दिन लगी यानी कि ये साजिश थी फाइलें जलाने का, वरना ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, इन चीज़ों को आप खुद सोच लीजिए। जब जांच के आदेश आए तभी सब कुछ आखिर क्यों हुआ, इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और सरकार जब बड़े बड़े अधिकारी इतने बड़े बड़े घोटाले करते हैं करोड़ों की संख्या में, करोड़ों रुपए हजम कर जाते हैं, छोटे छोटे जो बजट आते हैं एक तरह से वो भी डकार जाते हैं स्मार्टफोन को लेकर के, इतने ज़्यादा स्मार्टफोन बनने थे, पैसा भी आपको बता दिया कितना आना चाहिए था, सब कुछ बताया, अभी तक तमाम जिलों में पैसे नहीं भेजे गए, स्मार्टफोन नहीं मिले हैं जहाँ पर। और आपको बता दूँ उत्तराखंड की ये हालत है, 6 महीने पहले सिम BSNL की प्रोवाइड कराई गई, वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई, चालू ही नहीं है सिम। ये सरकारी काम है, कहते हैं कि आंगनबाड़ी देश का कुपोषण मिटाएं, उन पर जिम्मेदारी थोपते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि अपना पावर है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, जब आप खुद सुधर नहीं सकते तो इनको क्या सुधार रहे हैं जो 4,000 में नौकरी कर रही हैं। षड्यंत्र की आशंका देखिए, वर्ष 2017 में विभाग की प्रमुख सचिव का दायित्व संभालने के बाद डिंपल वर्मा ने इस घटना में षड्यंत्र की आशंका जताई थी। उन्होंने 12 अप्रैल 2017 को निदेशक को लिखे गए पत्र में कहा था कि मामले की विधिक व पुलिस कार्रवाई के अलावा प्रशासनिक जाँच कराने और उसकी रिपोर्ट जो शासन को देने का निर्देश दिया गया था, पर पालन जो हुआ वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इससे बाद जो साबित होता है कि घटना के पीछे षड्यंत्र और अनियमितता हुई है। डिंपल वर्मा ने भी तत्कालीन जो निदेशक को रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दे दिए थे, पर हुआ कुछ भी नहीं। तो ये है लीपापोती उन अधिकारियों की जो भ्रष्टाचारियों में लिप्त रहते हैं और रौब दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों पर। यहाँ पर दिखाई जाती है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई जो होते हैं खुलासे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे समस्या किसी भी बहन की हो चाहे जहाँ से हो। ये तो आप देख रहे हैं, ये हमारे भाई साहब हैं जो झारखंड में बैठे हैं और झारखंड वगैरह से हमारा यूनियन है, वहीं से जो कार्यकारी अध्यक्ष श्री बाल मुकुंद सिन्हा जी हैं जिनकी अभी तस्वीर आपने देखी, वो आज ही 11 तारीख को आपको हमने बताया था इस वीडियो के माध्यम से झारखंड की तमाम सेविका और सहायिका बहनों को वो सूचित कर रहे थे कि हड़ताल उनकी जारी है, आप सभी जो है किसी के बहकावे में ना आए और हड़ताल जारी रखें। क्योंकि बहुत से ये आपको पता है बहनों कि हर जगह यूनियन देख करके जलते हैं चिढ़ते हैं, ऐसे में वो मान लीजिए ये मेहनत वहाँ पर बैठे इन बाल मुकुंद भाई की है और वहाँ पर इनके साथ में सहयोगी उन बेचारी हजारों बहनों की है जो उम्मीद लगाकर एक महीने से अपनी मेहनत दे रही हैं और बैठी हैं, अब वो जीत के करीब हैं। तो ऐसे में दूसरे यूनियन जिनको लगता होगा कि अगर मैं पैसा बढ़ गया तो इनका नाम हो जाएगा, तो वो लोग ऐसे प्रयास करेंगे कि धरने से बहने भाग आएँ, उठ करके चली आएँ, ये सब चीज़ें हो जाएँ। ये आम बातें हैं, ये हम उत्तर प्रदेश में तो इतना देख चुके हैं, यहीं तो सीख करके हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश एक ऐसा है राज्य जहाँ पर यूनियन की ताकत यूनियन खुद नहीं पहचान रहा है, वो अपने आप टूट रहे हैं और प्रशासन उनका जमकर के फायदा उठा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना फायदा उठाया यानी कि वादा करने के बाद भी हमारे यहाँ के यूनियन कुछ नहीं ले पाए, और उनका कारण क्या रहा
हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, इसी में हम में रह गए और दूसरों पर आरोप लगाते रहे। कोई अगर कुछ अच्छा प्रयास कर रहा होता है तो उनको ये कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं और ये लूटने के लिए सब कर रहे हैं, ये चंदा वसूली कर रहे हैं। जो आप खुद करते हैं वो कहते हैं हम भलाई के लिए कर रहे हैं। तो इन हकीकतों के चलते वो लोग चले गए। और ऐसा भी नहीं है कि ऑल इंडिया ने उनको समझाया नहीं, ऑल इंडिया ने हर एक को समझाया। यकीन ना हो तो एक साल पहले के भी वीडियो चैनल पर पढ़ें, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। खुद सोचिए, हर एक जगह की हर एक सच्चाई दिखाता हूँ इसीलिए कि हमारी बहनें हो चाहे यूनियन हो, जो बहनें अच्छी हैं प्रयास कर रही हैं, तो आप लोगों के प्रयास सफल हो। इन बहनों को आप कुछ दिलाइए, आप इनके दिलों में राज करेंगी। लेकिन नहीं समझ में आता है उनका क्या चल रहा है दिनों में, तो वही जान सकते। फिलहाल के लिए हमारा फर्ज है आप लोगों को सच्चाई दिखाना, तो मैं सच्चाई दिखाता हूं। अभी टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पर भी आप लोगों के लिए एक सूचना आएगी, बहनों की आवाज़ और बहनों के कार्यक्रम उस पर दिखाए जाते हैं। चैनल के जितने भी अपने चैनल चल रहे हैं हमारे द्वारा, खास करके जैसे SLR न्यूज़ चैनल हो गया, उस पर आप लोगों को बहनों को कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कम पैसों और लागत में बन जाती हैं। इसके बारे में बताया, अगर आपको लिंक चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर चैनल है कि सभी चैनलों की लिंक आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।